नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बजाज द फैक्ट आई में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम निकले हैं सच की खोज में। बाबा राम रहीम जी के बारे में क्या सच है, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या सच है। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक पटेल। सर, आप डेरा सच्चा सौदा से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं 2003 से जुड़ा हुआ हूँ सर। इसके पीछे का क्या कारण है सर? सबसे पहले मैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डेरा सच्चा सौदा में सच का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ इंसानियत सिखाई जाती है। इंसानियत आपको कहीं स्कूल में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं है। हमारे गुरु जी आपको बताते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में कैसे माता बहन की इज्जत करी जाती है, नाम दिया जाता है, नाम के बाद सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंसान बनना है, सभ्य जो सभ्य बनना इंसान को सिखाया जाता है कि सभ्यता का पाठ कैसे करते हैं। हाँ जी, सर ने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन मीडिया ने कुछ और ही दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा में बहुत तरह के गलत काम होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया का काम है दुष्परिणाम, यानी गंद और बेकार बुराई दिखाना। और सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ, बुराई का बोलबाला तो इस संसार में पहले ही है। आप देख सकते हैं, जब गुरुजी थे, गुरुजी सफाई अभियान चलाया करते थे और लोग बाग अपना नाम करा करते थे। तो गुरुजी का काम था कि सफाई अभियान चलाना, मानवता भलाई कार्य चलाना। 133 मानवता भलाई कार्य हैं, उसमें भूखे को खाना, प्यासे को पानी और निस्वार्थ भावना से सेवा करना, ये सब सिखाया जाता है। ने हमें बताया कि डेरा में 133 मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं और शिष्य उनके जो कहते हैं अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। सर से हम जानना चाहूँगा कि मीडिया ने दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा में लड़कियाँ सेफ नहीं है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी भी खुद की दो बहन है, मम्मी है, पापा जी हैं, मेरी खुद बहनें आई हुई हैं। उनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदे से ज़्यादा सेफ मैं कहीं मानती नहीं। आजकल आप स्कूल में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ और कहीं भी आप देख लो, लड़कियां सेफ नहीं है। डेरा सच्चा सौदा रूहानी कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियां सेफ हैं। आप देख सकते हैं सत्संग में सबसे ज़्यादा लड़कियां, माता बहनें, यूथ आती हैं और वो जब खुले दिल से आती है, उन्हें कोई भी डर नहीं है डेरा। जी सर ने हमें बताया कि डेरा सच्चा सौदा में जितनी लड़कियां सेफ है, उतनी सेफ्टी लड़कियों की और कहीं भी नहीं। सर से हम जानेंगे कि मीडिया ने ऐसा क्यों दिखाया, इसके पीछे का क्या कारण है? सर देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया का काम है, बिकाऊ माल है मीडिया, सारी बिकाऊ माल। एक तो माल होता है और एक बिकाऊ माल। इसमें क्या होता है कि लोगों को गंद यानी झूठ दिखाने का पैसा मिलता है। और देखो, अच्छे काम होते हैं डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के, 133 कार्य होते हैं। गुरुजी सफाई अभियान चलाते हैं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता। गुरुजी भूखे को खाना, प्यासे को पानी और इतनी सारी चीज़ें, मानवता भलाई, बीमार का इलाज करवाते हैं, प्रेमी गाय, जहाँ लोग एक्सीडेंट में गाय या बिजार जिनको चोट लग जाती है उनका भी इलाज कराते हैं। डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई कार्य कराए जाते हैं, यही सिखाया जाता है। सर ने हमें बताया, हम सर से जानेंगे कि जब से बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है, उसके बाद जाने के बाद क्या समाज पर बुरा असर पड़ा है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 25 अगस्त 2017 से पहले आप देख लीजिए, बहुत अच्छा हिसाब था, माहौल भी बहुत अच्छा था। और 25 अगस्त 2017 के बाद से आप देख सकते हैं, नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और माता बहन की इज्जत नहीं हो पा रही। सबसे ज़्यादा आप देखिए, बलात्कार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और यही गुरुजी सबको समझाते थे, माता बहन की इज्जत करना और कैसे इज्जत सिखाई जाती है। गुरुजी का सबसे पहले यही था कि जब भावना ही शुद्ध नहीं होगी तो इंसान गलत करेगा। जब जब इंसान नशे लेता है, नशे लेके उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके बाद उसका दिमाग जब काम नहीं करेगा तो वो गलत हरकत है और गलत सोच से, यही बलात्कार का सबसे बड़ा होने का कारण है। हाँ जी, सर ने हमें बताया कि जब से बाबा राम रहीम जी समाज में नहीं है, समाज में नशे बढ़ गए हैं, बुराइयाँ बढ़ गई हैं और भी बहुत ही घटनाएँ घटने लगी हैं। समाज को इस वक्त बाबा जी की ज़रूरत है।